अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सभी लोग? दस लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटे का जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को कराची के मौसम घर से आने वाली हर नई अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, हमने कहा कि आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पूरा दिन वक्फे से गरज चमक के साथ कई दरमाई से तेज़ और कई तेज से मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें शहर के मज़ाफाती इलाके काबिल ज़िक्र हैं, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी 30 से 60 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। जहाँ शुजानी टाउन से हमें बादल फटने की इतला भी मौसम में, क्योंकि ज़्यादातर बारिश का जोर आज वस्ती मगरबी और जनूबी इलाकों पर रहा। तमाम शहर के मशरकी इलाकों में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और कुछ इलाकों में दरमियान से तेज़ बारिश हुई है। शहर के मशरकी और शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी इलाके और इंतहाई जनूबी साहली इलाके, वहाँ पर अभी तक खातिर खा बारिश तो रिकॉर्ड नहीं की गई। तमाम वहाँ पर भी शाम के अवकात में थंडरस्टॉर्म आने के सबब वहाँ पर भी हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई गरज चमक के साथ। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी, जिसमें गुलशन मेमार के इलाके, बैरियर टाउन के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी हुए हैं और काफ़ी शरीक गरज चमक के साथ यहाँ पर शाम के अवकात में शाम वाला थंडरस्टॉर्म था, उसकी वजह से शाम के अवकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कई दमे से तेज़ और कई मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, खुसूसन शहर के मज़ाफाती इलाके बैरियर टाउन में। अब अगर हम बात करें आने वाले दिनों यानी कल के हवाले से और आज रात के हवाले से, तो नाज़रीन इस वक्त खलीज बंगाल में बनने वाला हवा और कम दबाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सूरत में इस वक्त बहरा में मौजूद है, जिसके साथ कराची के जनूब में अब भी गरज चमक के साथ तस्वीर पा रहे हैं। साथ ही इस सर्कुलेशन के सबब ऑफशोर ट्रफ, जो कि भारत की मगरबी पट्टी से शुमार की जाने तरफ ये सर्कुलेशन इसको खींच रहा है, लिहाजा शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश के इम्कान बरकरार रहेंगे, मजीद बारिश के इम्कान होंगे। कल दोपहर शहर के नज़दीक गरज चमक वाले बादल यानी बारिश बरसाने वाले बादल तस्वीर पाएंगे, जिनसे कहीं कहीं बारिश होने के दरमियान इम्कान मौजूद हैं। कल शाम के बाद ये सिस्टम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल कराची में बारिश के सबसे ज़्यादा इम्कान शहर के शुमार मशरक के इलाकों में, जहाँ पर आज सिर्फ हल्की से दरमियानी और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब अगर हम आने वाले दिनों के बाद बात करें तो कल शहर कायद में समुद्री हवाएं भी कल शाम से बाहर होना शुरू हो जाएगी। जुमेरात और जुमे को शहर में तेज़ समुद्री हवाओं के चक्कर चलने का इम्कान मौजूद है, साथ ही समुद्री बादलों का भी बसेरा रहेगा। बादल आइंदा हफ्ते के इख्तिताम यानी इतवार 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त, हमें उम्मीद है कि इस दौरान इन तारीखों के दौरान एक बार फिर कराची में मूनसून का एक ताकतवर सिस्टम आने के इम्कान मौजूद है, जिससे कराची में एक बार फिर बारिशें हो सकती हैं। इस हफ्ते के इख्तिताम यानी इतवार या फिर 4 या 5 अगस्त से मूनसून का एक और सिलसिले की आमद हो सकती है, जिससे मुताबिक मजीद अपडेट्स बाद में शाये की जाएंगी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तब तक के हाफिज़ नाज़रीन, फिर मिलेंगे।